हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर प्रस नई क्लास में और आज हम हरियाणा के सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों हरियाणा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट एवं कॉम्प्रेटिक जम से पूछे जाते हैं इसके अलावा जो हरियाणा की परीक्षा होती है उनमें भी ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि हरियाणा का स्थापना दिवस कब है अर्थात हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी तो इसके उत्तर होता है हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर उन्नीस को पंजाब से अलग करके की गई थी दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है तो इसका उत्तर होता है हरियाणा राज्य की सीमा पांच राज्यों से लगती है इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा के किस क्षेत्र में शिवालिक पर्वत त्रेणिया स्थित हैं तो इसका उत्तर होता है उत्तर पूर्व में हरियाणा के शिवाली पर्वत श्रेणिया स्थित है दोस्तों तो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर होता है चौधरी छोटू राम हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर होता है नब्बे सीटें हैं जिनमें सत्रह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई हैं हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं तो हरियाणा राज्य में राज्यसभा की पांच सीटें हैं दोस्तों यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपसे विधानसभा की सीटें पूछी जाए तो वो नब्बे हैं जिनमें सत्रह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई हैं राज्यसभा की सीटें सीटें पांच है प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये है कि हरियाणा में कितने जिले हैं तो दोस्तों हरियाणा में कुल बाईस जिले हैं अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था तो इसका उत्तर होता है हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीरा थे और इनका कार्यकाल एक नवंबर उन्नीस से चौदह सितंबर उन्नीस तक चला था दोस्तों हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर होता है कुश्ती और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है तो इसका उत्तर होता है काला तीतर हरियाणा का राजकीय पशु कौन है तो हरियाणा का जो राजकीय पशु है वो है काला मृग दोस्तों महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा में किस स्थान पर लड़ा गया था अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए तो इसका उत्तर होता है कुरुक्षेत्र दोस्तों जो महाभारत का युद्ध था वो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था और हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थान पर हुआ था दोस्तों हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है तो ये उसका उत्तर होता है पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर है हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर होता है भगवत दयाल शर्मा और भगवत दयाल शर्मा का कार्यकाल एक नवंबर उन्नीस से तेईस मार्च उन्नीस तक था दोस्तों हरियाणा के किस शहर में रत्न आभूषण पार्क स्थित है तो इसका उत्तर होता है गढ़ी हरसरू हरियाणा के किस शहर से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए थे अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर होता है मीठा तल वैसे ये क्वेश्चन जो है वो एंशियंट हिस्ट्री का है और ये कई बारी गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से आ चुका है कि समुद्रगुप्त के सिक्के हरियाणा के किस शहर से प्राप्त हुए हैं तो इसका उत्तर होता है मीता थल दोस्तों हरियाणा के अंबाला नगर की स्थापना किसने की थी तो दोस्तों हरियाणा के अंबाला नगर की स्थापना अंबा राजपूत ने की थी दोस्तों हरियाणा में कई बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है तो इसलिए यह पूछा जाता है कि हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो इसका उत्तर होता है तीन बार और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लगा था तो इसका उत्तर होता है उन्नीस में दोस्तों हरियाणा का कौन सा नेता तीनों राज्यों पंजाब राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर होता है तैयब हुसैन जो कि पंजाब राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहे थे दोस्तों तो हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर होता है अंबाला हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो श्रीमती सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है तो सूरज कुंड का निर्माण तोमर राजा सूरजमल ने किया था दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि नाहर वन्य जीव अभ्यारण हरियाणा के किस जिले में स्थित है तो इसका उत्तर होता है रेवाड़ी में दोस्तों पंचकूला शहर किसके लिए प्रसिद्ध है अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर होता है पंचकूला शहर बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों हम आजा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि हम हरियाणा के सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं इसके अलावा हम राजस्थान उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित जीके भी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके इसके अलावा गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटेटिव एग्जाम संबंधित किसी भी मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू विजिट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो